जंतर मंतर पर जो हुआ और जैसे आगे आंदोलन चला, यौन उत्पीड़न मामले को लेकर पहलवानों ने लगातार अपना संघर्ष किया, वहां पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाया और जिसको लेकर के अब कोई भी मौका पहलवान ब्रिजभूषण के खिलाफ नहीं छोड़ना चाहते और यही यहां पर देखने को मिला। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यह ट्वीट भी कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार को जो है किया गया था, लेकिन जैसे ही एक पूरा घटनाक्रम जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ और लिखा ब्रिजभूषण ने, उसके बाद पहलवानों का इसमें कूदना लाजमी था। और सबसे पहले हम आपको ट्वीट की तरफ लेकर के जाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। ब्रिजभूषण लिखते हैं, कोई घटना घटी नहीं, किसी के पास कोई सबूत नहीं और आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों ने सुबह कुछ कहा और शाम को कुछ, आरोप झूठे हैं, ये जानते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रियंका जी महिलाओं को न्याय दिलाने जंत्र मंत्र तक पहुंच गई। न्याय के लिए उनके आने का कोई विरोध नहीं है, महिला पहलवानों को न्याय मिला भी, लेकिन राजस्थान की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सोनिया जी, प्रियंका जी, कांग्रेस की महिला लीडरशिप का मौन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में रोज दर्जनों बलात्कार की घटना हो रही है, न्याय के लिए राजस्थान की महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इन घटनाओं के पक्के सबूत हैं, इसलिए पक्के सबूत का दावा यहां पर जो है ब्रिजभूषण जी कर रहे हैं। इसलिए पूछता हूं प्रियंका जी, बताओ चुप क्यों हो, सोनिया जी बोलो, आपकी जुबान पर ताला क्यों लगा है, गहलोत साहब बताओ अपने घर की महिलाओं को न्याय कब दोगे, पायलट साहब बताओ घर की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए अब आपके खून में उबाल क्यों नहीं आ रहा। यह जो है एक्स पर लिखते हुए ब्रिजभूषण ने जो है पोस्ट की और उसके बाद जैसे ही ये पोस्ट की, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत तमाम लोग जो है इसको पलटवार करते नजर आए। सबसे पहले हम आपको विनेश फोगाट ने इसके बारे में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। विनेश फोगाट लिखती हैं कि महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला है, तुम लेकिन चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जैसे अत्याचारी के दिन भी एक दिन जरूर लदेंगे। अभी तो सरकार के संरक्षण में कुश्ती पर कब्जा किए बैठे हो, पीड़ित महिला पहलवानों को आंखें दिखा रहे हो, यकीन मानना महिला पहलवान तुम्हारा हिसाब जरूर करेंगी। हम महिला पहलवान महिला के रेडिकल आंदोलन में भी बहुत कुछ सीख रही हैं, तुम्हारा हिसाब जरूर करेंगी। और इतना हुआ ही था कि बजरंग पुनिया ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। पहलवान बजरंग पुनिया लिखते हैं, महिला पहलवानों के शोषण करने वाले दूसरों को शीशा दिखा रहे हैं, अगर ब्रिजभूषण सत्ताधारी पार्टी का सांसद न होता तो इसकी सारी पोल पट्टी अभी तक खुल चुकी होती। सत्ता के संरक्षण में कुश्ती पर कब्जा कर जो कुछ तुमने किया है वह भारत के खेल इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल जैसे ही ब्रिजभूषण द्वारा यह ट्वीट किया जाता है उसके बाद लगातार पहलवानों ने इसको पलटवार में अपने जो है बयान दर्ज कराए और उसके साथ साथ ये साबित हो जाता है कि पीछे जो जंत्र मंत्र पर हुआ उसको लेकर अभी भी उनका गुस्सा शांत नहीं है और उन्हें न्याय नहीं मिला है, क्योंकि पूरे देश ने वह घटनाक्रम देखा, वहाँ पर उनके साथ अन्याय की बात हो, उनके साथ संसद भवन के बाहर उन्हें किस तरीके से घसीटा गया, न्याय न मिलने पर वह हरिद्वार पहुंचे मेडल बहाने के लिए, देश का गौरव जो हम कहते हैं, और जिस तरीके से हरियाणा हर बार इसमें अपनी ताकत का एहसास कराता है, देश को गौरवान्वित करता है, लेकिन उनको पहलवानों को न्याय न मिलना और इन जो ब्रिजभूषण हैं सांसद हैं वो अध्यक्ष होने के बाद उन पर इतने गंभीर आरोप लगना और उसके बाद उनके अब राजनीतिक
क्योंकि इलेक्शन का दौर है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन उनको न्याय न मिलना यह दर्शाता है। और ऐसा कोई मौका ये पहलवान नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां बृजभूषण द्वारा दिए गए ऐसे बयान और उन पर उनका पलटवार ना हो। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें बताएं, और आप क्या सोचते हैं और बृजभूषण द्वारा दिए गए इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।